इस बीच सभी देशों को अपने पानी के जहाज यूक्रेन से दूर रखने की धमकी देने के बाद रूस ने काला सागर में अपने एक्शन का ट्रेलर भी दिखा दिया। धमकी देने के 48 घंटे के अंदर रूस ने काला सागर में एक सैन्य अभ्यास कर डाला और बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस की बात न मानने वाले देश का अंजाम बहुत बुरा होगा। दो दिन पहले ही पुतिन ने अमेरिका से लेकर जापान तक दुनिया के हर देश को चेतावनी दी थी कि अगर उनके पानी के जहाजों ने यूक्रेन जाने की कोशिश की तो रूस मान लेगा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस से लड़ने के लिए उतर चुके हैं। इसलिए अपने दुश्मनों के अंदर उस धमकी का डर बैठाने के लिए रूस ने काला सागर में अपनी ताकत की नुमाइश की और साफ साफ जता दिया कि अगर किसी भी देश ने रूस की चेतावनी को हल्के में लिया तो वो अपनी मौत को दावत देगा। मिलिट्री ड्रिल में रूस की क्रूज मिसाइल जिस जहाज पर फटी वो असली नहीं था, मगर जब असली जंग छिड़ेगी तो तबाही भी असली मचेगी। पानी के रास्ते सिर्फ काला सागर से होते हुए ही यूक्रेन तक पहुंचा जा सकता है और उस काला सागर में रूस की तूती बोलती है। इसलिए पहले पुतिन ने यूक्रेन के साथ काला सागर में अपनी अनाज डील खत्म की, फिर काला सागर में यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह ओदेसा पर जबरदस्त हमले किए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि दक्षिण में बसे उसके ओदेसा शहर पर पुतिन की एयर स्ट्राइक रूस और चीन को दोस्त से दुश्मन बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने बताया कि ओदेसा पर रूस के हमले से जो अनाज खराब हुआ वो चीन को ही एक्सपोर्ट होने वाला था और चीन इस जंग में रूस के साथ खड़ा सबसे बड़ा देश है। मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि दो दिन पहले ओदेसा पर हुए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले ने चीन के ही मुंह से खाने का निवाला छीन लिया। उन्होंने बताया कि रूस के उस हवाई हमले ने चीन को भेजे जाने वाले 60,000 टन अनाज को ही बर्बाद कर दिया। चार दिन पहले यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज डील से निकलने के बाद से रूस रोज यूक्रेन के ओदेसा शहर पर मिसाइल और ड्रोन गिरा रहा, क्योंकि काला सागर के किनारे बसा ओदेसा शहर यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वहीं से यूक्रेन अपना अनाज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, इसलिए रूस ओदेसा को ही निशाना बना रहा है। वहीं अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि रूस की फौज पर यूक्रेन की सेना ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्लस्टर बमों को बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये विनाशकारी बम पलक झपकते ही भारी तबाही मचा सकते हैं। यानी अब यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी। यूक्रेन लंबे वक्त से अमेरिका से क्लस्टर बमों की मांग कर रहा था, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जैसे ही उसे ये बम मिले उसने इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने बखमूत के करीब क्लस्टर बमों से पुतिन की सेना पर कहर बरपाया। क्लस्टर बम बेहद विनाशकारी होते हैं। ये आसमान से गिरने के बाद जब जमीन से टकराते हैं तो वहां सैकड़ों धमाके होते हैं। रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन को ये बम दिए गए तो रूसी फौज भी क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अब जब ऐसा दावा किया गया कि यूक्रेन ने इन बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो रूस आग बबूला हो उठा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जर्मनी से 10 लेपर्ड टैंकों की पहली खेप मिल गई। यूक्रेन लंबे वक्त से जर्मनी से इस टैंक की मांग कर रहा था ताकि रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि लेपर्ड टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है। ये खराब रास्तों पर भी आसानी से दौड़ सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन जर्मनी से इस टैंक की मांग कर रहा था, लेकिन अब उसकी मांग पूरी हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंकों की पहली खेप भेज दी। यानी अब ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज पर पहले से जोरदार हमले कर सकेगी। यूक्रेन के सैनिकों ने लेपर्ड टैंकों से हमले की ट्रेनिंग भी ले रखी है। उन्हें बस इस टैंक का इंतजार था ताकि वो रूस पर कहर ढा सकें।